जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का टॉप जी के सीरीज यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले आप सभी के लिए कि आपके आरयू जयपुर सहित अन्य यूनिवर्सिटीज में बड़ी बड़ी भर्तियां आप सभी के लिए देखने को मिलेगी। टोटल आपकी हजारों में भर्तियां होगी। इन भर्तियों के अंदर नॉन टीचिंग पद है, पढ़ाने वाली पद नहीं है। मात्र 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे पदों पर लग सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पद जो खाली पड़े हैं उन पदों के ऊपर बहुत जल्दी भर्ती की जाएगी। आज की ताज़ा खबर आप देखेंगे, आपको पता है कि आपके रिजल्ट में देरी की जा रही है, आपके सब टाइप की देरी चल रही है, यूनिवर्सिटी के काम धीरे हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 60% से ज़्यादा पद है जो स्वीकृत पद हैं वो भी खाली पड़े हैं। तो ऐसे में आपके रिजल्ट देरी होगा, वो सारा कुछ देरी होगा। तो इस हिसाब से आपके लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है, बहुत जल्दी आपके लिए भर्ती देखने को मिल सकती है। ये भर्तियाँ आती है तो इनकी प्रक्रिया क्या रहती है और किस टाइप से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, सबसे पहले वो न्यूज़ बता देता हूँ कि उस न्यूज़ के अंदर क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। इसके अंदर सबसे पहले मैं बताऊँ, आरयू सहित नॉन टीचिंग स्टाफ के 60% पद खाली, परिणाम जारी करने में प्रेस प्रक्रिया में हो रही देरी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 60% से ज़्यादा खाली पद पड़े हैं। इसकी वजह से इसके अंदर आपको सही समय पे आपको प्रवेश परीक्षा भी नहीं करवाई जा रही और नई समय समय पर आपके रिजल्ट निकला जा रहा और नई प्रक्रिया हो रही। तो इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के हाल, आरयू के स्टाफ की कमी, विश्वविद्यालय में एयर शैक्षणिक के 54 में से 53 पद खाली पड़े हैं, सिर्फ एक पद वाला भरा हुआ। तो इस हिसाब से आपके बीच में आप देख सकते हैं सरकार के अनुमानित मिलने का इंतजार है। तो अभी आपका 4 जून तक, इसके अंदर आपका 4 जून तक जो आपका रिजल्ट आने वाला है लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा तो 7 जून तक आपकी आचार संहिता हट जाएगी। 7 जून के बाद इस चीज़ों पे एक्शन लिया जाएगा। राजस्थान के अंदर बीजेपी नई सरकार बनी हुई है, आप भी इन चीज़ों को उठा सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल सकते हैं, या फिर आप वहाँ यूनिवर्सिटी पे जाके आप अध्यक्ष से बात कर सकते हैं कि इन सीटों को भरवाया जाए, कुछ भी किया जाए, हमें भी रोजगार का अवसर मिलेगा, हमें नहीं तो हमारे साथियों सारों को मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरवा के प्रक्रिया होती है। इसके अंदर सीधे सीधे मैं बताऊं तो आपका एक तो इसके अंदर आपके एलडीसी की पद बहुत सारे खाली पड़े हैं। एलडीसी हो गए, अलग अलग टाइप के यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कर्मचारी होते हैं सब टाइप के, मल्टीपल टाइप के पद होते हैं, सभी के लिए अलग अलग पद रखे गए हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं विश्वविद्यालयों में कितने कितने पद कहाँ का खाली है। अंबेडकर विश्वविद्यालय जयपुर, जिसके अंदर स्वीकृति मिली हुई है 54 पदों की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक ही पद पर कार्यरत है, 53 पद खाली पड़े हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जयपुर, जिसके अंदर 62 पद स्वीकृत है, 38 पदों पर कार्यरत है, 24 पद खाली पड़े हैं। इस हिसाब से पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीकर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी 72 पद है और 11 पद इसके अंदर कार्यरत है और 61 पद जो खाली पड़े हैं। इसके अंदर VMU कोटा, वर्तमान ओपन महाविद्यालय कोटा जो आपकी है, उसके अंदर 301 पद स्वीकृत है, लेकिन इसके अंदर 176 कर्मचारी, 125 पद इसके अंदर भी खाली पड़े हैं। इसके अलावा इसके अंदर MDSU अजमेर जो यूनिवर्सिटी है 334 पद स्वीकृत है, इसके अंदर आपके 213 पद जो कार्यरत है, 121 पद इसके अंदर खाली पड़े हैं। इसके अंदर आपकी JNU जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आपकी 586 पद स्वीकृत है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन 459 स्वीकृत वहाँ पे कार्यरत है, 127 पद यहाँ के खाली पड़े हैं। इसके अलावा इसके अंदर बात करूँ MLAU जो आपकी उदयपुर की यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर भी 485 पद स्वीकृत है, 249 पद इसके अंदर कार्यरत है, 236 पद यहाँ भी खाली पड़े हैं। इसके अलावा महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की, यहाँ भी आपकी 206 पद टोटल स्वीकृत है, 84 पद यहाँ पे कार्यरत है और इसके अंदर आपकी 122 पद जो आपके खाली पड़े हैं। और आरयू की स्थिति तो आप देख सकते हैं, संगठक कॉलेज जो आपकी 6 सीटें हैं और जयपुर विदोसा के अंदर 660 और इसके अंदर प्राप्त संस्थान जो संख्याएं 9 है, PG विभाग 35 है, रिसर्च सेंटर 18 है। इतना बड़ा कैंपस होने के बावजूद भी आपके इसके अंदर पद खाली पड़े हैं। तो इस हिसाब से आपके बीच में देख सकते हो आपके लिए देरी हो रही है, तो ये देरी मिटाने के लिए आप ही कर सकते हो और आप सभी के लिए इसके अंदर हो सकता है। और इस हिसाब से इसके अंदर नौकरी लगने के लिए आप अस्थायी तौर पर लगाते हैं तो भी आप संविदा भर्ती भी दिखा सकते हैं, यूनिवर्सिटी अपने बेस पे संविदा भर्ती निकाल के भी भर सकते हैं, ताकि कार्य तो टाइम पे टाइम करवाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी को इतना तो बजट मिलता होगा, इतना तो काम करवाया जा रहा होगा, और इस हिसाब से आपके लिए नहीं करवा सकते तो आप क्यों इतना ढांचा बड़ा खोल के बैठे हो। तो आप सभी को
मैं कहना चाहूंगा कि कॉलेज के जितने भी साथीगण मेरे देख रहे हैं वो थोड़ा सा इस चीजों को आवाज उठाए, तो ये पद भी भरा जाएगा, आपको टाइम टाइम काम भी मिलेगा। मैं कई बार महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी या फिर डूंगर कॉलेज जाता हूँ तो वहां पर लंबी कतारें लगी होती है और तावड़े के अंदर धूप के अंदर जो लाइनें लगी होती है उसके अंदर कई बार गेट बंद करके चले जाते हैं बाबू वगैरह, हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो गई, वहाँ पे 100 बच्चों की लाइन ऐसी लगी पड़ी है। तो इस हिसाब से कई बार ये समस्या आती है, तो इस हिसाब से आपको मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे एक दो क्वार्टर और भी बढ़ा करके या फिर दूसरी ऑफिसें और खोल के उस चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं, बेहतरीन होगा आप सभी के लिए। तो इसके अंदर सुविधा बेस पे भी आप लगाते हैं 10-15 हज़ार रुपये दे के बंदों को, तो आपका कार्य तो टाइम टू टाइम किया भी जा सकता है। तो सुविधा बेस पे गवर्नमेंट के अंदर तो हर एक जगह लग रहा है, आप गवर्नमेंट भर्ती निकाल की प्रक्रिया में टाइम लग रहा है, तो इस कार्य के लिए जल्दी से जल्दी एक बार तो काम किया जाए ताकि टाइम टू टाइम ये सारा हो। इसके अलावा इसके अंदर जो योग्यता है सुविधा बेस वालों की रखी जाए, इसके अलावा इसके अंदर प्राइवेट नहीं लगाए जो गवर्नमेंट लगाया जाए, तो इसके अंदर आपकी गवर्नमेंट लगने के लिए क्या प्रक्रिया रहती है, इसके अंदर ये प्रक्रिया रहती है आप सभी के लिए कि आपका सबसे पहले ये आपका रिटर्न एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम के बाद आपका इसके अंदर आपका रिटर्न टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद अंदर जो बाबू वगैरह बैठते हैं कंप्यूटर पर टाइपिंग करने वाले उनका टाइपिंग टेस्ट होता है, हाँ उसका टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद आपके इसके अंदर आपको लगता है, इसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट निकाली जाती है। इसके अलावा इसके अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग, जैसे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की अभी पीछे कुछ दिन पहले ही टीचिंग स्टाफ की भर्ती करवाई गई थी, उस हिसाब से नॉन टीचिंग की भी भर्ती करवाई जाए, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग पद पर भर्ती निकालती रहती है, लेकिन आप सभी थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए और ये पद स्वीकृत जो पद है वो तो भरा जाए कम से कम, ताकि कार्य तो टाइम पे हो। उम्मीद है ये सेशन समझ में आ चुका है, फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपने इस सेशन में बात की कि आपकी जो आपके आरयू सहित अन्य यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी नॉन टीचिंग स्टाफ पद खाली पड़े हैं हज़ारों की संख्या में, इसके अंदर की ए टू जेड संपूर्ण प्रक्रिया जो मैं आपको बताई है कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब करियो, हम मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब अगले जय हिंद जय भारत।